अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए बिकॉज ये मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास की तैयारी करने के लिए सो हाउ यू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन गो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं कि शेड्यूल क्या है इसका पीडीएफ भी आपको उस वेब पेज पे मिल जाएगा वी द सेशंस विद प्रोबेबिलिटी

और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है व्हाई इट हैज बीन आस्क्ड सो अ वेक्टर ए अच्छा एक और मैंने देखा है बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं वेक्टर्स को लिखने में गाइस डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग वेक्टर्स राइट आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कैसे अल्फा टू बीटा तो आप आगे से लिखें ऐसे अल्फा टू बीटा ट्रिपलेट की फॉर्म में लिख लें इससे क्या होगा आपको आई कैप जे कैप के कैप लिखना नहीं पड़ेगा पेपर में टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचती है कहीं तरीके से राइट सो एल्फा टू बीटा लाइज इन दी प्लेन ऑफ बी एन सी प्लेन ऑफ वेक्टर बी विच इज गिवेन बाई वन वन जीरो स्टार्ट राइटिंग एज ए ट्रिपलेट एन सी विच इज गिवन बाय क्या है सी का वैल्यू देखो वन माइनस वन फोर ठीक है वन माइनस वन फोर

ये तो विजिबल नहीं हुआ होगा ठीक है इसको हटा देते हैं हम लोग सो so, अगर एक एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है तो एंगल बाइसे में इज दी एंगल ऑफ इज गिवन बाय कैप कैप प्लस बायसेकटर टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड ये दोनों को क्या कर दिया हमने यूनिट वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर सी लैमडा टाइम्स बी प्लस सी दिस इज द ऑफ एंगल स्टार मार्क कर लो फॉर्मुले में एड कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं लोग कह रहे हैं कि सर आसान है जो भी है देखो कई बच्चों को आता होगा कई बच्चों को नहीं आता होगा प्लीज मेंटेन पेशेंस एंड दिस इज अ सेशन सेशन बेस्ड ऑन सब बच्चों के लिए जेनेरिक है कमेंट बाजी कम करके आप कंसंट्रेट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा दैट इज व्हाट आई विल एडवाइस चलिए आइए सो अगर हमें यह बात पता थी तो ये देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा दैट मींस ए वेक्टर शुड बी एक्चुअल टू लैम्डा टाइम्स बी कैप वेक्टर प्लस सी कैप वेक्टर ठीक है अब अगर हम इसको सोल्व करते तो ये कुछ भी नहीं है तो लैमडा का कंपेरिजन हो गया ये क्या हो गया ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप रूट टू प्लस ये वाला वेक्टर कितना है आई माइनस जे प्लस फोर के कैप डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर दैट इज रूट एटीन ठीक है और हमें बस करना क्या है इसको एल्फा के साथ कोरिलेट कर लेना एल्फा है क्या आप कंपेरिजन से सोल्व कर सकते थे तो एल्फा आई प्लस टू जे प्लस बीटा के क्या ठीक है यही है ना भाई चीजें तो अगर हम नोटिस करें यहां पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए फॉर फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ ए और ऑप्शंस देखो ए बी सी डी ऑप्शंस में भी बीच में नजर मारते रहना चाहिए पेपर के अंदर हमसे पूछा गया क्या, अल्फा क्या? डॉट आई ए डॉट आई ए डॉट आई क्या होगा अल्फा सो so, ये आंसर कहता है अल्फा की वैल्यू माइनस थ्री आएगी ये आंसर ऑप्शन क्या कहता है अल्फा विल कम आउट टू बी माइनस वन ये ऑप्शन क्या कहता है आउट टू बी माइनस टू इज एंट्रेट सारी किसकी वैल्यूज है तो क्वेश्चन सो तो so अगर हम यहाँ पर देखेंट कंपेयर करते हैं तो एल्फा की वैल्यू क्या हो जातीयर दैम आयोटा सॉरी आयोटा कह रहा हूँ uh, एक बैच में सो लैमडा बाई रूट टू और यहां से कितना आएगा प्लस लैमडा बाय रूट एटीन तो हमें यहां से तो दोनों पैरामीटर्स बच गए एल्फा भी और लैमडा भी तो हमें एक्चुअल में देखो यहां नोटिस करो ये बीच में जो था जे एलिमेंट ये खाली एलिमेंट था तो इसको सॉल्व कर लेना चाहिए था तो ये यहां, यहां पर टू इज इक्वल टू लैमडा बाय रूट टू और यहां से जे का कॉम्पोनेंट क्या आ रहा है माइनस जे बाय रूट एटीन इज रूट एटीन

3, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई फोर तो मेरे दोनों ऑप्शन टू कैंसिल आउट क्योंकि तो जल्दी से देखें एक बार कि बीटा के लिए क्या हो जाएगा यहां पर कैलकुलेशन तो बीटा के लिए कैलकुलेशन कोई ज्यादा बड़ी नहीं है यहां पर अगर आप नोटिस करोगे बीटा के लिए भी सेम स्टैंडर्ड ऑफ कैलकुलेशन है बट इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा बीटा के लिए आपको किसको कंपेयर करना है सॉरी गाइस चलिए तो बीटा के लिए हमें किसको कंपेयर करना है के कॉम्पोनेंट को के क्या है इसका इधर वाली साइड जीरो है और सिर्फ क्या बचेगा फोर और एटीन ये नीचे जो आ रहा है सो फोर बाय अंडर रूट एटीन विच इज वी नो इज थ्री इंटू रूट टू इंटू लेमडा की वैल्यू हम थ्री निकाल चुके हैं ठीक है थीके? तो यहां से बीटा कितना आ गया फोर सर ये तो थर्ड को भी मैच नहीं करता और फोर्थ को भी मैच नहीं करता सो इन अ वे दिस वॉज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन ऑफ बुक्स यू विल फाइंड कि सर ये बोनस क्वेश्चन के तरीके से भी कई कोटा के ने इसको लिखा कि सर ये बोनस क्वेश्चन है बट देखो एंगल बाइसे में एक कॉन्सेप्ट हम लोग जो यहां पर एड कर सकते हैं वो ये है प्लस माइनस ठीक है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है देखा जाए हमेशा हम प्लस से ही करते हैं काम ये जो प्लस माइनस मैंने यहां लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों अब अगर आप नोटिस करो ये कहां से आया वो मैं समझा देता हूं कि अगर हमारा एक विक्टर था कुछ इस तरीके से जिनके दोनों के क्या हो रहे थे आपके टेल्स मिल रहे थे टेल्स मिल रहे थे तो एंगल बायसेक्टर कैसा होगा ऐसा वाला एक्यूट एंगल बायसेक्टर एक एंगल बायसेक्टर इधर की तरफ भी तो हो सकता है जहां पर यह क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसीलिए प्लस माइनस सो अगर मैं माइनस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करता ठीक है लेट्स सी अब मैं ये सारा हटाता हूं Uh, सारा हटाने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है ठीक है चलिए तो ये प्लस, तो प्लस, तो प्लस, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा यहां पर सिर्फ तो अगर यहां पर माइनस आ गया गाइज तो क्या हो जाएगा बता सकते हो मुझे अब तुम लोग अब बीटा के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है बीटा के लिए कैलकुलेट करें तो माइनस फोर बाय अंडर रूट टीन और लैमडा तो क्या करना पड़ेगा लैमडा हमें फिर से नया सॉल्व करना पड़ेगा हा है ना क्योंकि तो मैंने यहां प्लस और माइनस लगा दिया है तो लैमडा के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा पहले आप देखें कैलकुलेशन तो ये लैमडा अभी तो यहां पर छोड़ देते हैं तो लैमडा की कैलकुलेशन करो तो फिर से लैमडा की कैलकुलेशन के लिए कौन सा कॉम्पोनेंट उठाएंगे जिसकी वैल्यू पता है दैट इज टू सो टू के लिए कितना हो गया लैमडा बायूट टू और इधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस अब की बार कितना हो जाएगा बच्चों प्लस लैमडा बायीन ठीक है अब अगर हम नोटिस करते हैं तो कितना हो जाएगा ये दिस एम्प्लाइज ये वैल्यू कितनी हुई रूट टू तो बाहर आ जाएगा ठीक है लेमडा भी बाहर आ जाएगा अंदर क्या बचेगा फिर से सेन प्लस थ्री बचेगा वहां कितना बन रहा था वन माइनस थ्री बच रहा था याद आया तो अब कितना हो गया वन प्लस थ्री बनेगा तो ऊपर कितना आएगा फोर बाई थ्री फोर कैंसिल हुआ कितना बना ये देखो नोटिस करो यहां लिख देता हूं लेमडा कितना आया आपका थ्री रूट टू बाई टू दिस इज दैल्यू दैट यू विल गेट थ्री यहां से फोर आता टू कैंसिल हुआ तो ये कितना होगा उधर जाता थ्री रूट टू बाई टू वो वैल्यू यहां डाल के देखो जरा अगर मैं यहां पर डाल के देखता हूं तो ये कितनी वैल्यू हुई थ्री रूट टू बाडा की वैल्यू जो है वो इससे एटीन से कैंसिल हो जाएगी ठीक है आया कितना बीटा माइनस टू तो, क्या बीटा इक्वल टू माइनस टू है कहीं हाँ जी थर्ड ऑप्शन में है तो दैट इज द आंसर टू दिस ऑप्शन जिन जिन बच्चों ने ये गलती करी होगी उनको ऑप्शन अगर चाहिए था तो आंसर आपका जिस, जिसने सी मार्क करा होगा उसे मिले होंगे इस so, very, very 7th 2020 sector, plus, minus, दोनों याद करना और रेपिटेटिव कॉन्सेप्ट है ये बार बार पूछा जाता है करना है सबने क्लियर गाइज ठीक है कमेंट्स नहीं गाइज मैं कमेंट्स अगर पढ़ने लग गया कि कहीं कहेंगे कि दोबारा समझा दो ये कैसे हो गया गाइज रिकॉर्ड होगा YouTube पे अवेलेबल है वापस जाके देख लेना है तो सब बच्चों का टाइम वेस्ट होगा चलिए अगला क्वेश्चन दिस केम इन सेवन जनवरी 2020 थाउजेंड ट्वेंटी इवनिंग सेशन अब ये देखो बहुत अच्छा सवाल था और बहुत लर्निंग वाला सवाल है ये क्या कहता है ए बी सी बी थ्री यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो हमें यहां क्या दिया हुआ है वो लिखना शुरू करें उप्स सॉरी गाइस ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो ठीक है और हमें लेमडा दे रखा है ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए डी क्या दे रखा है हमें मतलब फॉलो कर रहा है तो दिख रही है तुम्हें इस क्वेश्चन में सारी जगह क्या था साइक्लिक ऑर्डर हर इंफॉर्मेशन किसमें साइक्लिक ऑर्डर में अब मैं भी बताऊंगा साइक्लिक ऑर्डर से हमें क्या समझ में आता है क्या जल्दी कर सकते थे तो हमें यहां पर डॉट प्रोडक्ट चाहिए लेमडा में डॉट प्रोडक्ट तो ये हिंट कहां से मिलेगी डॉट प्रोडक्ट ना बहुत अच्छी चीज होती है एक तो डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं डॉट so, प्रोडक्ट का हमें आइडिया कैसे लगता है जब दो चीजें क्या होती है मल्टीप्लाई इन डॉट प्रोडक्ट लेने में क्या होता है Squaring जब आती है तो क्रॉस आता है, आता है? Yes, you, 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है भाई मॉड्युल स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस सी स्क्वायर और ये कितने होते हैं सारे टू टाइम्स ए डॉट बी बी डॉट सी जो हम भूल जाते हैं पढ़ना हम कई कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहां से आएगा भैयाट वेक्टर दे रखा है यूनिट वेक्टर दे दिया तो इसकी वजह से ये तीन वैल्यूज कितनी हो गई दीज बिकम थ्री प्लस टू टाइम्स और ये देखा जाए तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू कह सकता हूं ये मेरा आंसर किसका आ गया लैमडा खत्म ये हो गया तो यहां से इसके से जीरो होना चाहिए था, तो यहां से की कितनी आ गई माइनस थ्री बाई टू ठीक है कई लोग में लिख भी रहे ठीक है तो, तो इसका मतलब लैमडा तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो बाहर हो गई हमें इन दोनों में ही कैलकुलेट करना है अब मैं अगले ऑप्शन पर जाऊं उससे पहले मैं देखू तुम्हें एक और मेथड सिखाता हूं नया मेथड क्या है ए प्लस अच्छा एक काम करते हैं सारा हटाता हूं अब देखो अब समझना है ना ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और भी पढ़ा हुआ है दैट इज़ आई से इट्स लर्निंग मोड सेशन कहां पढ़ा हुआ है वो देखो आपको ट्राइंगल में आ रहा है ट्राइंगल में हमने कुछ ऐसा काम करा हुआ है ए बी और हमने कहा था साइक्लिक ऑर्डर होता है तो साइकिल कंप्लीट हो गई तो वेक्टर्स का सम क्या होगा रिजल्टेंट क्या आएगा जीरो और मैं इसको एक ऐसा ट्राइंगल मान सकता था ये डिग्री 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 अगर कोई भी ट्राइंगल बनता है ट्राइंगल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको ये याद रखो जब भी कोई ट्राइंगल बनता है और ट्राइंगल के बारे में कुछ नहीं दिया तो हम उसको पेपर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वी कैन इट इट टू बी बी एन कुड ना तो यहां से अगर आप देखो ए डॉट बी ए डॉट बी क्या होगा ये वाला वेक्टर होगा ए

देखो इससे दूसरा वाला आंसर भी बड़ी जल्दी सॉल्व होगा ए बी सी तो ए क्रॉस बी क्या डिनोट करता है एरिया ऑफ पैरोग्राम फिर अगर हम सेम अभी देखना हम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वी हम इस तरीके चल रहे हैं। ना ए क्रॉस बी गया फिर मैं अगले में क्या आया बी क्रॉस सी में आया मैं ठीक है फिर मैं अगले में किस में आया क्रॉस ए में तो देखा जाए एक्चुअल आपने करा क्या थ्री टाइम्स एरिया ऑफ पैरलोग्राम अभी मॉड्यूल का साइन नहीं लगाया मैंने modulus का साइन आना चाहिए था एरिया में तो कौन सा ऑप्शन ऐसा काम करेगा ठीक है अगर हम सेम साइक्सिटी ऑर्डर मान के चलते हैं हम एरिया एरिया की बात कर रहे हैं बट यहां पर एलजेब्राइक एरिया क्योंकि एरिया तो समझ में आता है सर पॉजिटिव होना चाहिए पर अगर हम ऑर्डर लेके चलते तो ये किसके बराबर आना चाहिए था वैल्यू थ्री टाइम्स समथिंग

चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जे मेन ट्वेंटी मॉर्निंग ठीक है, कहते है, दी 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 सबसे बन जाता है। याद होना चाहिए तो अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑफ का क्या मतलब वो ये अगर मेरे नीचे बेस में पैरोलोपेपेट था तो ये कहीं ऊपर जाके क्या दिखाएगा यह कोटर को बच्चों को समझ में नहीं आती है को टर्मिनाजिस मीन विच आर हैविंग द सेम टेल

प्रोडक्ट क्या को uh, टर्मोनसेजेस हैं और हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरलोपेपेट तो एस टीपी क्या होता था भाई याद आया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं हम सब लोग बहुत सही सही लिख रहे हैं सा, काफी सारे बच्चे की सर बॉक्स प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट सो ये कितना हो जाता था दैट मीनस आंसर होगा यू वी डब्ल्यू का बॉक्स सिंपल तो इसका आंसर भी तुम्हें कितना दे रखा है वन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है वन अब इसमें मैं सिर्फ डिस्कस करता हूं कि गलती क्या करते हैं हम लोग

तो देर आर पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीजा की कितनी वैल्यू निकलेंगी एक नहीं दो वैल्यू निकलेंगी जिससे हो सकता है आंसर में हेरा फेरी हो जाए तो अगर मैं जल्दी से सॉल्व सॉल्व करना भी आसान था क्योंकि की प्रॉपर्टी लग रही है पर कर दो ठीक है तो ये क्या बन रहा था जीरो सॉरी जीरो जीरो तो नहीं ठीक है जब भी गलती हो तुरंत पकड़ लेनी चाहिए जिससे आगे क्वेश्चन और गलत ना हो तो मैं ये लिख देता हूं पहले जो रोज अफेक्टेड हुई है और ये क्या बन जाएगी ये वन बन, बन जाएगी ठीक है इक्वल टू तो प्लस माइनस वन तो यहां से सिर्फ एक ही चीज सॉल्व करने की दो वैल्यूज आईमडा टू टू तो लैमडा इक्वल टू तो फोर खत्म दो वैल्यूज आ गई तुम लोगों के पास अब तुमसे पूछा क्या है रहा? ए, थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड डब्ल्यू यू और डब्ल्यू के बीच का एंगल सो so, यू और बीच का एंगल

अब बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सर जी क्या करेंगे में u यूज हो रहा है तो यहां पर आपके पास u की कितनी वैल्यूज आई टू वैल्यूज ऑफ u तो आपको दोनों वैल्यूज के लिए चेक करना पड़ेगा ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा हमें नहीं पता कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा वी गाइज करना पड़ेगा वी गाइज विल चेक फॉर बोथ दी वैल्यूज कि कौन सा आंसर है कौन सा आंसर नहीं है तो अगर मैं म्यू

स्क्र फोर दैट इज सिक्स अगला देखो डब्ल्यू कितना होगा हो तो हो स्क्वायर भी आंसर नहीं, है. इसका सर, टू लेके तो आंसर नहीं आ रहा तो अगर जब पेपर में ऐसा हो जाए कि लैमडा इक्वल टू टू लेके आंसर नहीं आ रहा तो ऑब्वियस तो की बात है, हमें पता ही है, है कि सर लैमडा की अब की बार क्या वैल्यू लेंगे टू तो अब देखो क्या होगा वन वन फोर हो जाएगा ठीक है वन वन फोर के लिए वही सारा काम करते हैं जो अभी तक हम कर रहे थे ये हटा देता हूं मैं यहां पर ठीक है थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बच्चों है कईयों को लग रहा होगा इस सा? थोड़ा सा तेज हो गया थोड़ा सा तेज करेंगे तभी तो सीखेंगे ठीक है तो ये कितना हो गया यू डॉट डब्ल्यू एफ करूंगा तो कितना आएगा टू प्लस वन प्लस, प्लस फोर कितना हुआ ये ऐड करो सेवन सेवन वाले आंसर है हाँ सर फर्स्ट और टू ऑप्शन कितने सेवन में है और मॉड्युलस यू कितना हो जाएगा आपकी बार मॉड्युलस यू कितना बनेगा फोर स्क्वे सिक्सटीन प्लस वन आपकी बार आया रूट एटीन और मॉड्यूल डब्ल्यू तो हमारे पास आ ही गया था रूट सिक्स तो कितना बन गया 7 by root 18 by root 6. अब आंसर कौन सा मैच कर रहा है तो इसको क्या लिख सकते थे को root 6 into root 3, तो सिक्स क्या हो गया सेवन बाय सिक्स रूट थ्री कौन सा ऑप्शन हो गया सर मजा आ गया सेकेंड ऑप्शन कम्स आउट टू बी ट्रू सो इन दिस क्वेश्चन बिट लिंदी लिंदी जरूर था

Vector है और कैसा vector है स्केलर तो जब भी तो कहते हैं so है, इसलिए सारे आंसर कैसे आ रहे हैं स्केलर आ रहे हैं ठीक है तो अगर स्केलर चाहिए तो अब देखो वापिस से हमें ए की वैल्यू दे रखिये ए फिर से क्या लिखूंगा जल्दी से

B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A इधर ले आओ और बात है समझ में आ रहा है कि सर B तो निकल रहा है कॉमन तो हम क्या करेंगे B क्रॉस C उप सॉरी तो ये कितना हो गया यहां पर माइनस A इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये बोल सकते हैं हम लोग तो इससे क्या पता चलता है अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो क्या होता है आर पैरल स बी वेक्टर इज पैरल टू सी माइनस ए वेक्टर ये तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आया ठीक है अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो अब मैं क्या कह सकता हूं कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास तो आप क्या लिख सकते थे बी इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स सी माइनस ए अब यहां पर जिस बच्चे ने यह चीज लिख दी होगी वो कंफ्यूज रहेगा बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए क्यों नोटिस करो हम यहां पर अब कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहां पर अब जो सी था हमें तो सी की वैल्यू चाहिए थी तो सी बहुत अजीब गरीब सा आएगा लैमडा उधर लेके जाना पड़ेगा एक चीज कर सकते हैं जो ये लैमडा है अगर मैं बी की तरफ लगाऊंगा तो भी मेरा कुछ नहीं जाएगा आप लैमडा उधर लिखो उधर लिखो बात तो बराबर है ना रेसिप्रोकल होकर आ जाना इधर तो यहां से मैं क्या लिख सकता था सी वेक्टर इज नथिंग बट ए प्लस लैमडा टाइम्स बी ठीक है क्लियर सो so, ये जो है ये पैटर्न ओरिएंटेड क्वेश्चन था ये जो पैटर्न है ये पैटर्न ये पढ़ाया जाता है क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसी पैटर्न के ऊपर तो गाइज ये याद होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करा गया तो अब आपके पास सी वेक्टर आ चुका है जो आपको निकालना था ए प्लस टाइम्स बी वेक्टर ठीक है हमें सी डॉट बी निकालना है तो एक अब हिंट क्या मिल रही है अब यहां पर व्हाट इज द नेक्स्ट हिंट सोचो सर सी डॉट बी तो सी डॉट बी करना पड़ेगा ठीक है सी डॉट बी के लिए मुझे अब यहां पर ऑडमेन आउट कौन है सर लैम्डा पता चल जाता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता क्यों सी डॉट बी में क्या होगा ए डॉट बी दोनों ही वेक्टर्स मेरे पास अवेलेबल हैं प्लस लेमडा टाइम्स बी डॉट बी बी डॉट बी तो मैं निकाल ही लूंगा बी बी अगेन तो कौन बचा उसके लिए देखो क्या दिया हुआ है सी डॉट ए जीरो तो यहां क्या करो डॉट प्रोडक्ट ए ले लो सिंपल क्वेश्चन हो गया सॉल्व हो गया ठीक है गाईस? यहां से क्या हो गया बी डॉट ए ये तो जीरो दे रखा है तुम्हें दिस इज गिवन टू बी जीरो यहां से ए डॉट ए मतलब इसका मॉडुलस हो गया modulus कितना मॉडल टू और ये कितना हुआ? देखो दिस इंप्लाइज लैमडा कितना आ गया तुम्हारे पास by अब की वैल्यू यहां डाल दो तो यहाँ से सी डॉट बी आ जाएगा ए डॉट बी फिर से देखो ए डॉट बी अभी तुमने निकाल के चुके हो ए डॉट बी कितना था फोर फोर यूज कर दो यहां पर कितना आया माइनस थ्री बाई टू बी डॉट बी इज नॉड बी मॉडल रूट इस तरीके से आया ना बन रहा है भाई नोटिस करो ठीक है तो यहां पर बस अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा शायद कुछ तो गड़बड़ हुई है हम लोगों की जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा है हमारा माइनस टू रूट बी बी स्क्र सॉरी बी स्क्र है ना बी डॉट बी तो ये रूट नहीं आएगा रूट की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी तो अब कितना हो गया आंसर बस अब तो सॉल्व कर लेंगे कितना हो गया फोर माइनस नाइन बाई टू विच गिव यू द आंसर माइनस वन बाई टू क्या तो माइनस वन बाई टू थर्ड एंड दिस इज अ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है बट ये तुम्हें रिपीटेटिवली कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होता रहेगा

फिर से मैं सिर्फ ट्रिपलेट फॉर्म में लिखूंगा ए और J A, I J और जे जे ए आई के कैप नहीं लिखता मैं ठीक है ना जिससे मेरा टाइम बचे ये हुआ हुआ ए ए ए ए ए ए आर वेक्टर कैसा दिया हुआ है A, A, A plus one. तो काफी कुछ सिमेट्री दिख रही है इसमें ठीक है और कुछ जिस सिमेट्री दिख रही होती है तो यहां से कहीं ना कहीं मुझे हिंट मिल रही थी शायद ये डिटर्मिनेंट यूज करेगा तो इतना सिमेट्रिक तो डिटर्मिनेंट में सोल्व करते हो ना क्वेश्चन सोल्व करें याद आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं सर सिमेट्री बनती थी डिटरमिनेंट में आगे बढ़े आर कोप्लेनर ये कोप्लेनर दे दिए कॉम्प्लेनर लिख दिया कॉम्प्लेन बॉय बना रहे हैं हम तो एक कोप्लेनर अगर है तो ये क्या हुआ ए प्लस वन ए ए ये हुआ ए ए प्लस वन ए ए ए ए प्लस वन दिस इज द कंडीशन व्हेन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर खत्म देखो हम प्रेडिक्ट ही कर रहे थे डिटरमिनेंट बनेगा डिटरमिनेंट बन गया सिमेट्रिक मेट्रिक्स सिमेट्रिक है डायगेल एलिमेंट्स के ऊपर जो एलिमेंट्स है उनका डायगेल uh, एलिमेंट्स के अंदर मिरर इमेज है तो ये क्या हो गया है जबकि उतना भी जरूरत नहीं है अगर हम देखें आसानी से सॉल्व कर सकते थे थ्री क्यों करा भाई सारे एलिमेंट सेम है ना यार एक कॉलम में सबको ऐड कर दूंगा तो सारे एक हो जाएंगे कितना बन जाएगा थ्री ए प्लस वन वो बाहर आ जाएगा और अंदर यहां पर क्या बनती कुछ डिटर्मिनेंट बनता तो जो फैक्टर बाहर आ गया वो तो जीरो कर सकता हूं तो यहां से एक आंसर क्या A is equal to minus one by three. अभी सर, दो आंसर्स आएंगे और? अच्छा, चलो, उसकी बात कर लेते हैं। दो आंसर्स क्यों आएंगे क्योंकि एलिमेंट है इसमें कितने एलिमेंट है ए प्लस वन ए प्लस वन तो डिग्री कितनी हो गई थ्री अभी हमने एक निकाला तो वी शुड एक्सपेक्ट दो आंसर आने चाहिए थे क्या मुझे सर दो और आंसर निकालने पड़ेंगे नहीं है? ओके okay, सॉरी uh, मेरे एंड पे कुछ वायर इन प्लग हो गया जिसमें पता ही नहीं चला मैं थोड़ा सा आगे चला गया इस क्वेश्चन में तो एल्फा की ए की वैल्यू अगर माइनस वन बाय थ्री आगे थी तो हम बात कर रहे थे कि क्या दो आंसर्स की जरूरत पड़ेगी हमें नहीं जरूरत है क्यों देखो ये कैसा है न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन है ठीक है न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है माइनस वन बाय थ्री आ गया मोर देन सफिशियंट माइनस वन बाय थ्री को देखो पी क्यू आर में डालो तो ये वैक्टर्स की वैल्यू जो है वो आ जाएंगे थ्री माइनस वन बाय थ्री टू बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री

उप्स लेना है हमें मार्कर सो ठीक है हमें b की वैल्यू दे दी कितनी फाइव और बी डॉट सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है टेन ठीक है एंगल बिटवीन b एंड c दे दिया b और c का एंगल कितना है बीच का सिक्सटी डिग्री फाइव बाई थ्री यार सब कुछ तो दे दिया बचा क्या है इस क्वेश्चन में ठीक है तो बी डॉट सी अगर हमें इतना दे दिया तो यहां से देखो तुरंत ही समझ में आ रहा था कि सर यहां से सी की वैल्यू आप निकाल सकते थे ठीक है ना सी की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास सी की वैल्यू तो आई गई लो खत्म नहीं है, ये फिर से A है इफ ए इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी तो परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा क्या होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई जीरो that means their dot product is zero that means ये क्या है इनके बीच का एंगल क्या है a और ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया जीरो देखा जाए तो यहां पर अभी क्या समझ में आता है सर ये तो stp हो गया। पर stp में भी अगर हम बार-बार जाते हैं तो stp में क्या होता आप इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 तो क्या मेरे पास कंपोनेंट्स हैं जो stp को जीरो कर दूं ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू है मेरे पास नहीं सर वो तो नहीं है सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है तो यार इससे कोई बहुत ज्यादा में फायदा नहीं होने वाला पूछा जिसकी जा रही है vector, कर जल्दी से एक बार वीटीपी रिवाइज कर ले तो वीटी क्या कहता है अगर ये मेरा फर्स्ट था ये मेरा सेकंड वेक्टर था और ये मेरा थर्ड वेक्टर था तो आंसर होता है वन डॉट थर्ड टाइम्स सेकेंड वेक्टर दैट मीन ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा वन डॉट टू टाइम्स थर्ड वेक्टर दैट इज ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर, ठीक है अब इसको भी अगर हम नोटिस करें इसका भी कोई फायदा हुआ क्या आप लोगों के पास ए डॉट सी ए डॉट सी कैसे निकालोगे भाई ए डॉट सी के लिए आपको ए और सी के बीच का एंगल चाहिए नहीं है तुम्हारे पास ए डॉट बी निकल जाएगा क्या ए डॉट बी एंगल नहीं निकलेगा बी अवेलेबल नहीं है नहीं नहीं है क्या करें ये ये so yes, का भी सवाल नहीं था ना है ना है तो है क्या आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसकी वैल्यू निकालनी थी इसका मतलब क्या होता है इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे मॉड्युलडुलस बी क्रॉस सी एन साइन थीटा वेटा इज नाउ दिटवीन ए वैक्टर एंड बी क्रॉस सी वैक्टर वो क्यों दे रहा हूं ये दे अब तुम्हें समझ में आया होगा क्योंकि ए और बी क्रॉस सी में हमें एंगल दिया हुआ है ना यहां पर देखो ये थीटा कितना हो गया इसका मतलब नाइनटी डिग्री सो दिस वैल्यू टर्न आउट टू बी नथिंग बट साइन नाइनटी डिग्री साइन नाइनटी वी नो इज वन सो दैट मीन यू जस्ट नीड टू सॉल्व फॉर मॉड्यूलस ए मॉडुलस बी क्रॉस सीट मॉडुलस बी क्रॉस सी आ जाओ यहाँ पर ये भी सब कुछ गिवन है हमें यहां पर मॉड्यूलस बी क्रॉस सी के लिए मॉडुलस बी क्रॉस सी अगर थी साइन तो और लेते ले बी तो की वैल्यू तुम्हें पता ही थी क्वेश्चन में दी थी फाइव सी की तुम ऑलरेडी निकाल हो ट्वेंटी इनके बीच का एंगल सिक्सटी और कैसे आसान क्वेश्चन देंगे आपको 5 4 60 2. 2 20 root 3. Root 3 you know 30. ठीक है जी है guys, evening. So, इस तरीके से हमने 2020 के क्वेश्चंस निपटा लिए और तुम्हें समझ में आया होगा कि 2020 सब

वेक्टर इक्वेशन ये question हमने करे थर्ड जो पांचवा क्वेश्चन आया था वो की कंडीशन पे आया ठीक है और जो उसके अगला क्वेश्चन था सर एस टीपी भी यूज हो रहा था वीटीपी भी यूज हो रहा था पर वीटीपी को यूज करने की जरूरत थी पड़ी पर हमने वीटीपी रिवाइज कर लिया छह क्वेश्चन छह अलग अलग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कोई भी रिपीटेड नहीं था कोई पैटर्न रिपीट नहीं हुआ था छह के छह अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे ठीक है थोड़ा सा पंद्रह बीस मिनट और लेते हैं सेशन के पंद्रह मिनट लेते हैं एग्जैक्ट बी एक्जेक्ट

अब हाईलाइटर से समझाता हूं तुम्हें यहां पर तो ये जो वैल्यू है ये वाली ठीक है उप कुछ भी नहीं आया यार तो ये वाली जो वैल्यू है ये ये क्या हो जाता है दिस इज दी मैग्नीट्यूड का इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन क्या होता है याद रखना कंफ्यूज नहीं होना प्रोजेक्शन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है प्रोजेक्शन इज मैग्नीट्यूड क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड पूछा प्रोजेक्शन का तो कैसे निकलता है बी का कॉम्पोनेंट ऑन यूनिट डायरेक्शन ऑफ ए

सो so, वो क्या हो जाता है इनटू टू ए कैप और तुम्हें फॉर्मूला अगर याद हो तो किस में देखो क्या हो जाता था बी डॉट ए मैग्नीट्यूड ए का हो जाता था अब वो समझ में आ गया स्क्र क्यों होता था क्योंकि यूनिट कैप वेक्टर क्या होता है ए बाई मॉडे मॉडे ऑलरेडी था तो उसका स्क्वायर हो गया तो हमने यहां से दो क्वेश्चन को रिवाइज कर लिए प्रोजेक्शन एज वेल एज कॉम्पोनेट हो सकता है इस साल आपको क्वेश्चन पे वापस आओ तो हमें निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए

ये करना सो द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन अब सर मेरे को इससे सोचा जाए भी लेने की जरूरत नहीं थी क्यों मुझे तो किसके साथ करना है नोटिस करो मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना तो मेरा टारगेट क्या बन गया बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बी क्रॉस क्योंकि मुझे तो उसकी सिर्फ क्या चाहिए डायरेक्शन चाहिए और ये वाला जो ए था उसके साथ क्या ले लूंगा डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर वाला तो क्या बन गया आपका बिल्कुल सही एस टी पी तो ऊपर वाला क्या बन गया बॉक्स ए बी सी और नीचे वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा बी क्रॉस सी विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स विच लाई इन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ठीक है ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं ये आया क्वेश्चन 2019 अप्रैल में इवनिंग में क्या कहता है क्वेश्चन एक वेक्टर है ए फिर से कंपोनेंट फॉर्म बहुत बढ़िया मजा आ रहा होगा देखो कंपोनेंट फॉर्म में लिखने से तुम्हें लग रहा है कितना आसान हो रहा है एक्स आ गया सर जैसे ही एक्स आया एक्स इज अ पैरामीटर तो मुझे पक्का यकीन है एक्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा बी आया वन माइनस वन वन ठीक है फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ एक्स अच्छा तो बोला गया यार ये ए होगा अल्फा नहीं ठीक है न?

टू प्लस एक्स माइनस जे टाइम्स कितना हो जाएगा थ्री माइनस एक्स और ये कितना होगा प्लस के टाइम्स माइनस थ्री माइनस दस सो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव तो यही आता कॉम्पोनेंट हमें तो क्या निकालना था इसका मॉड्युलस मॉड्यूलस क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वेर ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर प्लस 25 ठीक है इसको सॉल्व कर लें ये कितना हो गया एक्स 4x प्लस 4 ये कितना हो जाएगा भाई एक्स स्क्वेयर ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी तो देखा जाए ये क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया अब मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वो हो, किसके बराबर है r के बराबर तो नया क्वेश्चन कहाँ कन्वर्ट हो गया ये वाला बच्चों दिस गेट्स कन्वर्टेड टू अ क्वाड्रेटिक लेवल प्रॉब्लम ये किसमें कन्वर्ट हो गया ये तो क्वाड्रेटिक है। सोचो जरा एक मिनट आई एम टेकिंग वाटर ब्रेक सोचो कैसे करेंगे हम लोग इसमें अब तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है okay. तो अगर ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो क्वाड्रेटिक बना लो पहले कितनी बनी क्वाड्रेटिक एक्सक्वास स्क्वा टू एक्सक्र फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स नाइन फोर्टीन, थर्टीन फाइव थर्टी एट सो टाइम्स एक्स एक्स प्लस तो ये तो क्वाड्रेटिक का सवाल हो गया ना क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो अगर मैं ये सारा कैलकुलेशन में अब देखो एक मैंने कहा रहा ना लर्निंग मोड में सीखोगे क्वेश्चन को तो बहुत जल्दी चीजें सीखने को मिलेंगी तो so, इसी बहाने हम लोग अब क्या करेंगे तो क्वाड्रेटिक ये कैसी हो गई भाई बता सकते हो जरा तो ये कैसी हुई बोला।, बोला कैसा होता है भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है अपवर्ड पैराबोला की इंफिनिटी इन्फिनिटी तो आर की मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो सकती थी अंडर रूट इन्फिनिटी क्योंकि ये तो सारा किसमें है अभी भी अंडर रूट में अंडर रूट इन्फिनिटी तो जो ऑप्शन आर की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो तो गलत होगा क्योंकि की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पूरा का पूरा ओपन है दैट गिव्स यू आंसर क्लियर ठीक है ना था ना आसान पर अगर चलो हम समझने की कोशिश करें हम तो कभी पढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या होगा इसका डी निकालो डी कितना होगा बी स्क्तर माइनस फोर ए सी अगर मैं डी निकालता ये कितना हुआ 19 इंटू फोर इंटू नाइनटीन अच्छा यहाँ पर भी देखो कैलकुलेशन कैसे तेज होती है ट्वेंटी इंटू फोर 4 एटी माइनस फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स माइनस वन ये कितना आ गया 75 ठीक है अच्छा माइनस सेवेंटी का क्या मतलब हो गया यहाँ पर क्वाड्रेटिक रिवाइज करा रहा हूँ क्वाड्रेटिक का फंडा क्या बना कि भैया ये तो हमेशा लेस देन जीरो है तो इसका मतलब इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव अब एक्स एक्सेस रहेगा ग्राफ अपवर्ड पैराबोला का मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती है एट दी वर्टेक्स वॉट इज दी जस्ट नीड टू फिगर आउट दैल्यू माइनस डी बाय फोर आप वाई मेन निकालेंगे आंसर आ जाएगा तुरंत के लिए माइनस डी निकाल चुके हो तो माइनस डी बाई फोर ए वैल्यू क्या बन गई सेवन बाई फोर और एक टू ऑलरेडी आगे था तो आंसर क्या हो गया टू इन टू सेवन फाइव बाई फोर

अरे बहुत इंफॉर्मेशन है देखो बीटा वन कितना दिया आपको पैरल दे दिया किसके एल्फा के तो मैं बीटा वन को क्या लिख सकता हूं लैमडा टाइम्स एल्फा बीटा टू इज परपेंडिकुलर अरे भाई परपेंडिकुलर जब आ जाती है ना ये सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है इसको हमेशा हाईलाइट करके सोचा करो दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सो बीटा टू डॉट एल्फा इज इक्वल टू जीरो बट सर निकालें क्या यहाँ तो हमसे पूछ रहा है, करता है। के हम भूल जाते हैं ना कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है सो so, ये तुम्हारा स्टार्टिंग बनता है डॉट प्रोडक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एक क्वेश्चन की सो अगर आपको ये पता चल गया तो आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कैसे अब वो देखो सो so, मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं तो कितना बना बीटा डॉट एल्फा बीटा वन डॉट एल्फा ये तो क्या हो गया जीरो डॉट प्रोडक्ट हमें यहां पर प्रॉब्लम क्या थी सर ये ना लेमडा आ रहा था यहां पर सर लैमडा पता चल जाता तो बीटा वन पता चल जाता आ गया ना एल्फा डॉट बीटा देखो कोई दिक्कत एल्फा डॉट बीटा कितना हुआ सिक्स माइनस वन विच इज फाइव क्यों क्योंकि ये थर्ड कॉम्पोनेट तो यहाँ जीरो था ना ऐसे लिख लो ठीक है तो ये 5 हुआ बीटा डॉट कितना है लेम्डा टाइम्स एल्फा ठीक है तो यहां से अगर हम नोटिस करें तो बीटा बन क्या था लेमडा और ये तो, ये तो कितना बन गया? अल्फा अल्फा तो आ ना तुम्हारे पास या, फिर से वो तो कितनी हो गई मॉड्यूलर अल्फा स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर टेन खत्म तो यहां से लेमडा कितना आ गया वन बाई टू इफ दिस इज टू देन फ्रॉम हेयर यू कैन ईजिली से सर बीटा वन कितना आ गया मेरे पास एल्फा बाई टू अब एल्फा बाई टू आ गया सर बीटा टू कैसे निकालूंगा सोच रहे हैं सब लोग बैठे हुए अरे हो तो गया यार बीटा टू को बीटा वन माइनस दोनों वैल्यूज आ गई क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंसर निकालोगे आप सब लोग देखो लेंदी जरूर है पर टफ नहीं है लेंदी और टफ में फर्क होता है जनरली हम सब सोचते हैं कि सर जो लेंदी है वही टफ है बट पेपर में सिर्फ सेवेंटी फाइव क्वेश्चन टाइम बहुत है आप लोगों के पास प्लीज Make sure कि आप जल्दबाजी में एरर्स ना करें ठीक है क्वेश्चन को सॉल्व पूरा करें ओके okay, अगला क्वेश्चन छोड़ सकता हूं करना ठीक है ना शीट में अवेलेबल है ये देखते हैं, ठीक है 12 अप्रैल के पेपर में ये कहता है, इफ ए इज इक्वल टू अगेन ए इज इक्वल टू थ्री टू टू बी वेक्टर इज गिवन टू बी वन टू माइनस टू देखो ये इस तरीके से लिखने से तुम्हें तो दिख रहा होगा कितना स्पीड इंप्रूव हो जाता है

पता लगाना खत्म यार लॉलीपॉप है लॉलीपॉप भाई पीपीएच ऊपर फोड़ना है तो ए प्लस बी कितना हो गया फोर फोर जीरो ए माइनस बी कितना हो गया भाई यहाँ पर देखो टू जीरो फोर ए क्रॉस बी इनका क्रॉस निकाल लोगे छोड़ दूं क्वेश्चन अब फोर फोर जीरो टू जीरो फोर सोल्व कर लोगे लोगेमडा क्या है इसका फिर क्या निकालना है बस के साथ आ आ जाएगा आ जाएगा आंसर खत्म आसान क्वेश्चन सोल्व करके मुझे बताओगे सब लोग अभी है ना चलिए ओके दिस क्वेश्चन लेट्स सी क्या कहता है एल्फा बिलोंग्स टू आर एंड दी थ्री वेक्टर्स ओहो तीन वेक्टर चलिए देखिए कौन कौन से अल्फा वन थ्री b कितना आ गया टू वन माइनस एल्फा एक आया सी एल्फा माइनस टू और ये यहां से दिखते ही दिखते मैं तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या बोलने वाला हूं अगला स्टेप सर ये तो कहीं डिटर्मिनेंट में होगा क्योंकि तीन चीजें आ रही हैं तीन चीजें आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी अब देख लेते हैं बस क्या बोला फाइंड दी वैल्यू सेट एट इसल्फा वे एबीसीआर कोप्लेनर भाई ये तो हमने सर एक्सपेक्ट ही कर लिया था कि इसमें कोप्लेनर आएगा ही आएगा पेपर फोड़ना है ठीक है चलिए सुपर सो दिस इज जीरो अब इसमें जल्दबाजी करने में मत घुस जाना कि डिटर्मिनेंट में बड़ा अच्छे तरीके से निकालूंगा प्रॉपर्टी ला सिंपल जस्ट सिंपली सॉल्व कर दो इसको इसमें टाइम वेस्ट मत करना सब लोग बैठे बैठे तो ये हुआ माइनस ये कितना हो गया सिक्स प्लस एल्फा स्क्वेयर प्लस थ्री टाइम्स ये कितना होगा माइनस फोर माइनस एल्फा ठीक है कितना बन गया देखें एक बार एल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी ये था एल्फा स्क्वायर और यहां से कितना आया माइनस तो ये माइनस थ्री एल्फा और वो माइनस थ्री एल्फा कैंसल हो गया और माइनस एटीन ये बनेगा तो ये बना कितना एल्फा स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो अरे भैया ये पॉसिबल हो सकता है क्या सोचो क्या पॉसिबल है तो एल्फा की वैल्यू क्या हो गई सोच लो देख लो अगेन आई एम टेकिंग अ ब्रेक सोच लो भाई सोच लो सब ठीक है चलिए सो एल्फा स्क्वायर नहीं हो सकता ये क्या होगा एम टी दिस इज वॉट वी गैज टू सी सो दिस इज बाय आई एंड टूडेज क्लास आई होप आपको हमने आज दस बारह प्रॉब्लम करी है तो आपको कहीं ना कहीं लगा हुआ कॉन्फिडेंस आया होगा देखो जेई जीरो जीरो सेवन का टारगेट क्या है आपको बॉन्ड बनाना जीरो जीरो सेवन क्या मतलब होता है भाई बॉन्ड बॉन्ड कब बनते हैं जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो यार बॉन्ड तो बहुत दूर की बात है ठीक है ना तो मेरा टारगेट है आपको कॉन्फिडेंस देना विद रियल एग्जांपल्स लेके शॉर्टकट लेके नहीं क्वेश्चन आसान आता है प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं बिफोर वी लीव द न्यू क्रैश कोर्स इज अवेलेबल इट स्टार्ट्स 18th में मंडे एंड यू गाइज कैन चेक योर द फीडबैक फ्राम द एग्सिंग स्टूडेंट्स या फिर जो पास्ट मैथ स्टूडेंट्स हैं बेस्ट मैथ प्लेटफॉर्म बाई फ की जरूरत नहीं बेस्ट मैथ का प्लेटफॉर्म है फ्री में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो यार पेड़ में भी अच्छा ही पढ़ाएंगे ऐसा कुछ नहीं कि पेड़ में आपको नहीं देंगे वो तो ऑब्वियसली बात है ठीक है नेक्स्ट क्लास इज ऑन विक्टे नेक्स्ट क्लास ऑन विक्टर ऑन नाउ फिफ्टींथ मे सो गेट रेडी फॉर विक्टर थ्री डी ऑन फिफ्टींथ में वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर एम डू टो सो स्टेटी मैं कल मजे के साथ बैठे रहो एम ओटी पे बहुत मजा आने वाला है ठीक है चले गो ब्लेस यू ऑल एक काम हमें जाने से पहले अभी भी करना है जो मैंने नहीं लिखा उप पेन चला गया पेन 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 भाई जाने से पहले एक काम तो हमें करना ही है पेपर